नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मक्सी विगत दिनों अखिल भारतीय देव सेना संगठन का चतुर्थ स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें समाज के वरिष्ठ समाज सेवियों ने अपनी उपस्थिति प्रदान कर समाज को संबोधित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कमल पटेल उपस्थित रहे। अध्यक्षता का भार देव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भैरव सिंह गुर्जर के कंधे पर रहा। विशेष अतिथि के रूप में खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, माधांता विधायक नारायण पटेल, सुखदेव महाराज, सेवादास पटेल, राधाकिशन यादव, नारायण सिंह गुर्जर, खातेगांव रघुनाथ सिंह पटेल, अमर बिरला, देव सेना के प्रदेश संगठन सचिव ओम प्रकाश गुर्जर, खेरोदा महाराज प्रदेश अध्यक्ष शैलेश गुर्जर, युवा अध्यक्ष प्रशांत पाटिल, सचिव धर्मेंद्र पाटिल, नासिक अध्यक्ष रवि पाटिल, जलगांव से मनोहर पाटिल, विवेक गुर्जर, दिल्ली से समाज सेवी शीशपाल भड़ाना, सुरेश भड़ाना, मलखान सिंह डोई, जेपी तवर, सतपाल गुर्जर मंचासीन रहे। कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष भीम सिंह गुर्जर ने कहा कि देव सेना पूरे राष्ट्र के गुर्जर समाज को एक कर समाज में फैली कुरूति कुप्रथा पर अंकुश लगाने के लिए कार्य करेगी। अधिवेशन करना मूल उद्देश्य नहीं था, समाज के प्रबुद्ध जनों का मार्गदर्शन लेना मुख्य उद्देश्य था और आज खंडवा की धरती पर पुनः हुआ। हम लोगों ने एक प्रण लिया है कि संगठन बनाकर केवल पद लेकर नहीं बैठेंगे, उसका पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन कर समाज सेवा करना ही संगठन का मुख्य उद्देश्य रहेगा। हम उन समाज के अंतिम पंक्ति के बंधुओं तक पहुंचकर उनकी हर समस्या पर गौर कर संगठन के माध्यम से हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। संगठनों में स्वार्थ के लिए भी लोग आते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, खा जाते हैं, गबन कर जाते हैं, सरकारों को ब्लैकमेलिंग करके पैसा ले जाते हैं, भाग जाते हैं, उनका असर क्या हुआ आपने देख लिया। समाज उनको निकाल के बाहर कर देता है। कोई चिंता की बात नहीं है, गुजर कौम किसी से कम नहीं है, चाहे मुट्ठी भर हो। अंग्रेजों से लड़ी, मुगलों से लड़ी और हमको नोटिफाइड घोषित कर दिया था, क्रिमिनल कौम घोषित कर दिया था। उससे बाहर आने में हमको 70 बरस लग गए। भला हो वर्तमान केंद्र सरकार का, इस पार्टी का, तो हमारे गुजरों की पहचान बन रही है। आज इतनी बड़ी कौम का राज्य में कोई मुख्यमंत्री नहीं बना किसी राज्य में। हमारे बराबर समकक्ष कौम है जाट, मना मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन ताकत बता रहा हूं। प्रधानमंत्री बन गए चौधरी चरण सिंह, उप प्रधानमंत्री बन गए देवीलाल, राजपूत समाज चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, विश्वनाथ प्रधानमंत्री बने, क्यों नहीं बने राजेश पायलट, क्यों नहीं बने कृष्ण पाल। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।